प्रिय व्यूवर्स, आपके लिए प्रयागराज शाखा पर ऑफलाइन बैच के संबंध में सूचना। हिंदी माध्यम में सामान्य अध्ययन फाउंडेशन बैच 10 की शुरुआत 7 सितंबर को सुबह 11:15 बजे से होने जा रही है। वहीं हमारे अंग्रेजी माध्यम जनरल स्टडीज फाउंडेशन बैच 3 की शुरुआत 8 सितंबर सुबह 11:30 बजे से होने जा रही है। नमस्कार, दृष्टि IAS के टुडेज GK प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, ओलंपियन चमगादड़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, यह चमगादड़ की नाथुसियस पिपिस्ट्रेल प्रजाति से संबंधित है। कथन दो, यह प्रजाति उत्तर पूर्वी यूरोप में गर्मियों के प्रजनन वाले क्षेत्रों से महाद्वीप के गर्म क्षेत्रों में प्रवास करने के लिए जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न था, PM किसान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, यह योजना केंद्र प्रायोजित योजना है जो भारत सरकार से 100% वित्त पोषित है। कथन दो, यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। और कथन तीन, इस योजना के तहत सरकार किसानों के बैंक खातों में सीधे 12,000 रुपये की राशि प्रतिवर्ष हस्तांतरित करती है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन बी, यानी केवल दो। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आवागमन के प्रमुख समुद्री मार्ग, पहला बाब अल मंदेव, दूसरा हॉर्मुज जल संधि और तीसरा मलक्का जल संधि। और इससे जुड़े हुए क्षेत्र थे लाल सागर और हिंद महासागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा अथवा से सही सुमेलित है अथवा हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, एक दो और तीन। अगला प्रश्न था, विश्व शेर दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, यह दिवस हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। कथन दो, एशियाई शेरों को IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और कथन तीन, गीर वन एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, केवल एक और तीन। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आर्थिक मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है। कथन दो, मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की खरीद अनिवार्य है। और कथन तीन, GEM पर सभी नए उत्पादों को पंजीकृत करते समय विक्रेताओं के लिए उत्पाद के मौलिक देश का उल्लेख करना अनिवार्य है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, केवल दो और तीन। अगला प्रश्न था, अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, यह विधेयक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर पोत, पोत पंजीकरण, चालक दल के विवरण दर्ज करने के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस प्रदान करता है। कथन दो, इसके चलते गैर यांत्रिक रूप से चालित जहाजों को जिला, तालुक या पंचायत या ग्राम स्तर पर नामांकित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कथन तीन, इस विधेयक के माध्यम से अंतर्देशीय जल की परिभाषा को विस्तार दिया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन गलत है अथवा हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल दो। अगला प्रश्न था, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, यह तटीय देशों के अपतटीय क्षेत्रों का निर्धारण करता है। इसके साथ साथ 5 संकेंद्रित क्षेत्रों में देशों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के लिए मार्गदर्शन करता है। कथन दो, UN क्लॉज एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है जो समुद्री क्षेत्रों में देश के अधिकार क्षेत्र के लिए एक रूपरेखा निर्धारित करता है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला लिथुआनिया, दूसरा यूक्रेन, तीसरा रूस, चौथा एस्टोनिया और 5वां लातविया। उपर्युक्त में से कौन से देश बेलारूस के साथ सीमा साझा करते हैं? और इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी, केवल एक, दो, तीन और 5। अगला प्रश्न था, लीगल सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, इसमें कानूनी सहायता, कानूनी सलाह और अन्य शिकायतों की मांग संबंधी सुविधाएं शामिल हैं। कथन दो, ऐप के माध्यम से लाभार्थी प्री इंस्टीट्यूशन मध्यस्थता के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। और कथन तीन, लेकिन पीड़ित ऐप के जरिए मुआवजे के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन बी,
केवल एक और दो। अंतिम प्रश्न था, जलवायु परिवर्तन पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी IPCC जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। और कथन दो, इसकी स्थापना 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने की थी। और कथन तीन, इसका कार्य मौलिक वैज्ञानिक अनुसंधान करना है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल एक और दो। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और सबसे पहले देखते हैं अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। कथन दो, वह भूदान यज्ञ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। कथन तीन, उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। उपरोक्त कथन सबसे उपयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक नेता का वर्णन करते हैं? ऑप्शंस हैं ए, विनोबा भावे, बी, जयप्रकाश नारायण, सी, लोकमान्य तिलक और डी, MN रॉय। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। स्वतंत्रता के बाद 1952 में जयप्रकाश नारायण ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी PSP का गठन किया। 1954 में उन्होंने अपना जीवन विशेष रूप से विनोबा भावे के भूदान यज्ञ आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। इस आंदोलन में भूमिहीनों के लिए भूमि के वितरण की मांग की जाती थी। 1959 में उन्होंने गांव, जिला, राज्य और संघ परिषदों के चार स्तरीय पदानुक्रम के माध्यम से भारतीय राजनीति के पुनर्निर्माण का तर्क दिया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चुनावी कानूनों के उल्लंघन का दोषी पाया था। इंदिरा गांधी के शासन के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने सामाजिक परिवर्तन कार्यक्रम की वकालत की, जिसे 1974 में सार्वजनिक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति के नाम से शुरू किया गया। संपूर्ण क्रांति में 7 घटक क्रांतियां शामिल हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैचारिक या बौद्धिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, विश्व जैव ईंधन दिवस पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। कथन दो, ऐसा ईंधन जो पौधे या पशु अपशिष्ट से प्राप्त होता है उसे जैव ईंधन कहा जाता है। और कथन तीन, भारत विश्व में जैव ईंधन का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल एक और दो। विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी यूनिडो और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE भारत सरकार ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी द्वारा वित्त पोषित ऋण ब्याज सबवेंशन योजना शुरू की है। विश्व जैव ईंधन दिवस पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। ऐसा ईंधन जो पौधे या पशु अपशिष्ट से प्राप्त होता है उसे जैव ईंधन कहा जाता है। विश्व में जैव ईंधन का सबसे बड़ा उपभोक्ता संयुक्त राज्य अमेरिका है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल एक और दो। अगला प्रश्न है, उज्ज्वला योजना 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, इसके तहत लाभार्थियों को पहली रिफिल की सुविधा और हॉट प्लेट मुफ्त में दी जाएगी। कथन दो, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड जमा करना अनिवार्य है। और कथन तीन, योजना के अंतर्गत LPG कनेक्शन घर की महिला मुखिया के नाम पर दिए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? और ऑप्शंस हैं ए, केवल एक और तीन, बी, केवल दो, सी, केवल दो और तीन और डी, एक दो और तीन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक और तीन। हाल ही में PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ किया। वित्त वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में PMUY योजना के तहत 1 करोड़ अतिरिक्त LPG कनेक्शन के प्रावधान की घोषणा की गई थी। उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत सरकार डिपॉजिट फ्री LPG कनेक्शन के साथ लाभार्थियों को पहली रिफिल की सुविधा और हॉट प्लेट मुफ्त प्रदान करेगी। इस योजना में प्रवासियों को राशन कार्ड या एड्रेस प्रूफ जमा करने की जरूरत नहीं होगी। इसमें LPG कनेक्शन घर की महिला मुखिया के नाम पर दिए जाते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल एक और तीन। अगला प्रश्न है, मारवर्ग वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, यह वायरस फ्रूट चमगादड़ से लोगों में फैलता है। कथन दो, यह इबोला वायरस के परिवार से संबंध रखता है
और कथन 3, इसके लिए अभी तक कोई स्वीकृत टीका या एंटीवायरल उपचार उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल एक और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पश्चिम अफ्रीका के अत्यंत संक्रामक और घातक मारबर्ग वायरस के पहले मामले की पुष्टि गिनी में हुई है। मारबर्ग वायरस फ्रूट चमगादड़ों से लोगों में फैलता है। यह इबोला वायरस के परिवार से संबंध रखता है। अभी तक इस वायरस के लिए कोई स्वीकृत टीका या एंटीवायरल उपचार उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समितियां भारत में जनजातीय समुदायों से संबंध नहीं है? पहला शिवरामन समिति, दूसरा वर्जीनियस खाखा समिति, तीसरा भूरिया आयोग और चौथा रोहिणी आयोग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। और ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 4 और डी 1, 3 और 4। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1 और 4। लोकुर समिति, भूरिया आयोग, वर्जीनियस खाखा समिति जनजातीय समुदायों से संबंधित समितियां हैं। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत अक्टूबर 2017 में अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए रोहिणी आयोग का गठन किया गया था। शिवरामन समिति नाबार्ड की स्थापना से जुड़ी है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, रेपो रेट वह दर है जिस दर पर RBI देश के वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है। कथन 2, बैंक दर वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देने के लिए RBI द्वारा वसूल की जाने वाली दर है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, भारत के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक, धन की किसी भी कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर RBI देश के वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है। और बैंक दर वह दर है जो RBI द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देने के लिए वसूल की जाती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2। अगला प्रश्न है, सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वर्ष 1931 तक प्रत्येक जनगणना में जाति के आंकड़े शामिल थे। कथन 2, स्वतंत्र भारत में 1951 से 2011 तक प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जातियों के आंकड़े प्रकाशित किए गए, लेकिन अनुसूचित जनजातियों और अन्य जातियों से संबंधित आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन गलत है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 के पारित होने से जाति आधारित जनगणना की मांग उठी है। आपको बता दें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का विवरण जनगणना के समय में एकत्र किया जाता है, लेकिन अन्य जातियों का विवरण एकत्र नहीं किया जाता है। अभी तक विभिन्न राज्यों में पिछड़ी जातियों की जनसंख्या की गणना अपने स्तर पर पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से की जाती रही है। स्वतंत्र भारत में 1951 से 2011 तक प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं, अन्य जातियों से संबंधित आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए। इससे पहले 1931 तक प्रत्येक जनगणना में जाति के आंकड़े शामिल थे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2। अगला प्रश्न है, वोहरा समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए राजनीति में जेंडर पूर्वाग्रह, ऑप्शन बी राजनीति में सूचना का अधिकार, सी राजनीति का अपराधीकरण और डी संसद के विशेषाधिकार। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजनीति का अपराधीकरण। अक्टूबर 1993 में NN वोहरा समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने भारत में राजनीति के अपराधीकरण की समस्या और अपराधियों, राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच के गठजोड़ का अध्ययन किया था। समिति ने यह निष्कर्ष निकाला था कि अपराधी अपने नेटवर्क के माध्यम से समानांतर सरकार चला रहे हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी राजनीति का अपराधीकरण। अगला प्रश्न है, सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसका मकसद सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 में संशोधन करके बीमा कंपनी में
केंद्र सरकार की कम से कम 51% हिस्सेदारी की बाध्यता को खत्म करना है। कथन दो, यह विधेयक सुनिश्चित करता है कि 1972 का अधिनियम बीमा कंपनियों पर उस दिन से लागू होगा जिस दिन से केंद्र सरकार का उन पर नियंत्रण समाप्त होगा। और कथन तीन, यह संशोधन विधेयक बीमाकर्ता के निदेशक को, जो पूर्णकालिक निदेशक है, अपनी जानकारी और सहमति से की गई किसी भी चूक या कृत्य के लिए उत्तरदायी बनाता है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल एक और तीन, सी केवल दो और तीन और डी केवल दो। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल एक। सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 का मकसद सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 में संशोधन करके बीमा कंपनी में केंद्र सरकार की कम से कम 51% हिस्सेदारी की बाध्यता को खत्म करना है। इस संशोधन विधेयक का एक अन्य प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि 1972 का अधिनियम बीमाकर्ताओं पर उस तारीख से लागू होना बंद कर देगा जिस दिन से केंद्र सरकार का उन पर नियंत्रण समाप्त होगा। यह संशोधन विधेयक बीमाकर्ता के निदेशक को, जो पूर्णकालिक निदेशक नहीं है, अपनी जानकारी और सहमति से की गई किसी भी चूक या कृत्य के लिए उत्तरदायी बनाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल एक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, इनका जन्म 1889 में बंगाल प्रेसिडेंसी के मिदनापुर जिले में हुआ। 6 साल की आयु में माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी बड़ी बहन ने पालन पोषण किया। कथन दो, उन्होंने 16 साल की छोटी सी उम्र में ही पुलिस थानों के पास बम रख दिया था और सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाया था। और कथन तीन, उन्होंने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व के बारे में कहा था, क्या गुलामी से भी बदतर कोई बीमारी हो सकती है? ऊपर दिए गए कथन निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं? ऑप्शंस हैं ए भगत सिंह, बी प्रफुल्ल चाकी, सी खुदीराम बोस और डी चंद्रशेखर आज़ाद। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी खुदीराम बोस। 11 अगस्त 1908 को भारत के सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दी थी। खुदीराम बोस का जन्म 1889 में बंगाल प्रेसिडेंसी के मिदनापुर जिले में हुआ। 6 साल की आयु में माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी बड़ी बहन ने उनका पालन पोषण किया। वे अरबिंदो और सिस्टर निवेदिता स्वामी विवेकानंद की शिष्या से प्रेरित थे। अरबिंदो और सिस्टर निवेदिता ने क्रमशः 1902 और 1903 में खुदीराम बोस के जिले में सार्वजनिक व्याख्यान दिया था। उन्होंने 16 साल की छोटी सी उम्र में ही पुलिस थानों के पास बम रख दिया था और सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाया था। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व के बारे में खुदीराम बोस ने कहा था कि क्या गुलामी से भी बदतर कोई बीमारी हो सकती है? इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी खुदीराम बोस। अंतिम प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य 6 से 16 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। कथन दो, इसमें गैर प्रवेशित बच्चे को आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिए जाने का भी प्रावधान है। और कथन तीन, 2003 में 84वें संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग तीन में मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन गलत है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन और डी उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केवल एक और तीन। अल्पसंख्यक स्कूलों का राष्ट्रव्यापी आकलन करने के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने सरकार से मदरसों सहित ऐसे सभी अल्पसंख्यक स्कूलों को शिक्षा के अधिकार और सर्वशिक्षा अभियान के दायरे में लाने की सिफारिश की है। 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग तीन में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। इसमें गैर प्रवेशित बच्चे को आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिए जाने का भी प्रावधान है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल एक और तीन। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, मौद्रिक नीति रिपोर्ट RBI की मौद्रिक नीति समिति द्वारा प्रकाशित की जाती है। कथन दो, RBI के गवर्नर मौद्रिक नीति समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों और डी न तो एक और न ही दो। उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। शुक्रिया।